मेरे समक्ष बैठे हुए समस्त मातृशक्ति बेटियां, मेरे हमरुम और भाई, यथा योग्य बुजुर्ग और बच्चों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, भी बहुत अच्छी अच्छी कविता हो रही थी, जहां प्रेम की भी कविता हुई, हासिम भाई भी कविता करके गए, वो हमारे कवि मित्र हैं, बहुत दिनों के साथी हैं। उन्होंने अपने हिस्से की, क्या पूरे मंच के हिस्से की तालियां ले ली। खैर, ये अंदर का मामला है, चलेगा। लेकिन खलता हमको तब है जिनमें सुनने की हिम्मत नहीं होती, अपनी कह करके चले जाए और इन बुजुर्गों को यूं ही छोड़ गए। तब थोड़ा सा कष्ट होता है कभी, लेकिन आज खैर, यह कार्यक्रम पुलवामा को समर्पित है। कैप्टन साहब शहीद हुए, मैं चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि कर्ज कर्ज इस माटी का चुकेगा नहीं। फर्ज रथ चल दिया, अब रुकेगा नहीं। मौत के आगे भी मुस्कराते हैं हम, अर्श तक उठा लिया सर, अब झुकेगा। एक बंद निवेदन करता हूं, स्वागत है कि महापुरुषों का मान कम हो न जाए कहीं, इसलिए बात वो तमाम करता हूं मैं। महापुरुषों का मान कम हो न जाए कहीं, इसलिए बात वो तमाम करता हूं मैं। सूरज और चांद सा प्रकाश दे गए हो, किंतु धुंधला नहीं हो ऐसा काम करता हूं। धुंधला नहीं हो ऐसा काम करता हूं मैं। कि भारती की आप रूप बचाने है तो मिटे आप, इसलिए गर्व और गुमान करता हूं मैं। भारती की आप रूप बचाने है तो मिटे आप, इसलिए गर्व और गुमान करता हूं मैं। और देशभक्त की मिसाल आप ही महापुरुष, आज का दिवस तेरे नाम करता हूं मैं। बस तेरे नाम करता हूं मैं, और बाबूजी तुम्हें भी प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां और निवेदन करता हूं साहब, मेरे देश के युवा लोग 22-23 वर्ष की उम्र में पुलवामा में जब धोखे से मारे जाते हैं, कष्ट होता है, हम जैसे लोगों का खून खौलता है, हम पे किसी की चापलूसी नहीं आती है। चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। कि पुलवामा की धरती पे हमला किया जो सुनो, पुलवामा की धरा पे हमला किया जो सुनो, बदला भी एक एक बूंद का निकालेंगे। पुलवामा की धरा पे हमला किया जो सुनो, बदला भी एक एक बूंद का निकालेंगे। आसमां खुला है चाहे जितना भी उड़ ले तू, चिड़ियों को बाज नौच नौच फाड़ डालेंगे। चिड़ियों को बाज नौच नौच फाड़ डालेंगे। कि चिड़ियों को बाज नौच नौच फाड़ डालेंगे। कि जाते हुए सिंह छेड़ मौत को बुलाया तूने, अरे मौत का विधान देख तुझको पजारेंगे। और चाहे जिसको पुकार चीन, चाहे जिसको पुकार देंगे चर से उखार, तुझे तेरे घर में ही घुस कर मारेंगे।
में ही खुश कर मारेंगे, तुझे तेरे घर में ही खुश कर मारेंगे। और मित्रों एक दो मैं मुक्तक निवेदन करता हूं कि बहाया खून पुलवामा वो तेरी नीचता भर। अगर बहादुरता तो मैदान जंग में आता पता चल जाता, दो दो हाथ हो जाता। बहाया खून पुलवामा वो तेरी नीचता भारी, हमारी बांसुरी देखी नहीं देखे धनुर्धारी। बहाया खून पुलवामा अच्छा सा फीचर। बहाया खून पुलवामा वो तेरी नीचता भारी, हमारी बांसुरी देखी नहीं देखे धनुर्धारी। अरे जरा सी आंख क्या खोली अभिनंदन, अरे जरा सी आंख क्या खोली, वहां हनुमान ने जाकर मनोश्री राम का आदेश पालन का जलाया। मनोश्री राम का आदेश पालन का जला डाली और दिया, दियापुर क्षेत्र में गीता का नटवर ज्ञान जिंदा है। दियापुर क्षेत्र में गीता का नटवर ज्ञान जिंदा है, शिवा का तेज राणा का अभी अभिमान जिंदा है। और मिटा दी खाक में हस्ती शहीदों ने चरण छूकर, मिटा दी खाक में हस्ती शहीदों ने चरण छूकर, कसम से मां मेरी छाती में हिंदुस्तान जिंदा है, कसम से मां मेरी सांसों में हिंदुस्तान जिंदा है। और निवेदन करता हूं साहब कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, सिपाही हूं कलम का एक मेरा अरमान लिख देना, तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा तिरंगा हो कफन मेरा, यही है आरजू मेरी, मेरे सीने पे मेरा देश हिंदुस्तान लिख देना, मेरे सीने पे मेरा देश हिंदुस्तान लिख देना। और एक चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि भूल गए हम ध्वनि संख की, भूल गए हम ध्वनि संख की, याद दिलाने आया हूं और दिलों में भारत के प्रति स्वप्न सजाने आया हूं। करते हैं हद पार लोग, करते हैं हद पार लोग, अब भंग करें मर्यादा को, उठो उठो कमर कस लो प्यारे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उठो कमर कस लो प्यारे, आया हूं। और एक बंद निवेदन करता हूं और अपनी कविता से उसके बाद जुड़ता हूं, सुनिएगा कि अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, कि अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, वरना हमारी मां जवानी जाग जाएगी। मां के पक्ष से लिपट अमृत जो पिया सुनो, लोरियों में सुनी वो कहानी जाग जाएगी। मित्रों आपने कथा भागवत में एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, नहीं वो कहानी है भगवान कृष्ण और क्या नाम है उनके जो वो था बुआ का लड़का शिशुपाल। शिशुपाल इतना नाराज हुआ कृष्ण पे, ये जलन थी कि वो गाली देने लग गया। कृष्ण ने कहा बोले बेटा तू अभी बच्चा है गाली मत दे, वो नहीं माना। तो उसने कहा तेरा सर कलम कर दूंगा। कृष्ण की बुआ ने कहा बोले भैया कृष्ण कन्हैया प्यारे ये तेरा भाई है, तू इसके अब की बार माफ कर दे। कृष्ण ने कहा बोले बुआ माफ तो कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, ये 100 गाली तो मैं इसकी माफ करूंगा तेरे कहने पर, जिस दिन 101 भी गाली हो जाएगी मैं इसका सर कलम कर दूंगा। चूंकि शिशुपाल तो अंधा हो रहा था, मदांध था, वो भूल गया कि मेरी कितनी गालियां हो गई। जैसे ही 101 भी गाली हुई भगवान कृष्ण ने चक्र उठाया और उसका सर कलम कर दिया। मित्रों मैं भी कहना चाहता हूं ये हिंदुस्तान कृष्ण है, हमारा दुश्मन देश शिशुपाल है, हम उसको कहना चाहते हैं कि तेरे 100 अपराध माफ,
लेकिन जिस दिन 101 बार अपराध हो जाएगा हिंदुस्तान के नक्शे पर, पूरी दुनिया के नक्शे पर, तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। कि अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, वरना हमारी वो जवानी जाग जाएगी। माँ के पक्ष से लिपट अमृत जो पिया सुन, लोरियों में सुनी वो कहानी जाग जाएगी। के भूल में रहना ये तिरंगा झुकने न देंगे, अरे जलियों के बाग की रवानी जाग जाएगी। उंगली पे चक्रधार के खड़े हैं कृष्ण गाली, 100 के पार हुई तो भवानी जाग जाए। चौकी पार हुई तो भवानी जाग जाएगी। और आइए मित्रों, तब मैं एक कविता से जुड़ता हूं और कविता पुलवामा को लेकर ही है। मैंने सरकार को चेताने का प्रयास किया है, सरकार को कुछ सुझाव देने के प्रयास किए, निवेदन करता हूं उसने का कि अब तो आंखें खोल दो, 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 डंडू डमरू का स्वर घोल दो, अपनी ताकत तोल दो, सेना की जय बोल दो, डमरू का स्वर घोल दो, सेना की जय बोल दो। राम लखन के बिना साधना विश्वामित्र अधूरी है, राम लखन के बिना साधना विश्वामित्र अधूरी है। अहि रावण कर दूषण का मरना अब बहुत जरूरी है, रावण कर दूषण का मरना अब बहुत जरूरी है। नहीं रहे आतंकवाद की ढपली सी, मर जाने दो एक बार शिव तांडव करती सेना को, बढ़ जाने दो एक बार शिव तांडव करती सेना को, बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत दो। हमारे देश की आदत रही है साहब, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने ही हमें बताया हुआ है और कुछ किताबों में पढ़ा है, तब पता चलता है। हमारे देश की यह संस्कृति रही है कि हमने दुश्मनों को माफ किया, दुश्मनों को अपने गले से लगाया, उसको सदमार्ग पर चलने का प्रयास किया है। भारत के लोग जहां जहां दुनिया में रहते हैं वो स्थान भारत हो जाता है, जहां ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया गया वो भारत ने किया है, तब इसका नाम भारत है। निवेदन करता हूं सुनिएगा कि हमने पाठ प्रेम का दुनिया वालों को सिखलाया है, हमने पाठ प्रेम का दुनिया वालों को सिखलाया है, हमने जीवन जीने का पथ भी सबको दिखलाया है, हमने कदम बढ़ाकर अरे को अपने गले लगाया है, हमने पूरी दुनिया से जा जाकर हाथ मिलाया है, हमने अग्रसेन बुद्ध की वाणी को बरसाया है, हमने कृष्ण कन्हैया की बंसी का स्वर लहराया, हमने अग्रसेन बुद्ध की वाणी को बरसाया है, हमने कृष्ण कन्हैया की बंसी का स्वर लहराया है, हमने महावीर स्वामी के उपदेशों को गाया है, तुमने श्वेत कपोतों को भी मार मार कर खाया है, तुमने श्वेत कपोतों को भी मार मार कर खाया है, हमने बार बार समझाया एक नहीं मानी तूने, हमने अपना खून बहाया कायरता जानी तूने, मत भूलो मत और अपने हाथ रोकना सही, मत भूलो हम मुरली के संग चक्र उठाने वाले हैं, मत भूलो हम मुरली के संग चक्र उठाने वाले हैं, जल्लादों की औलादों का वंश मिटाने वाले। मत भूलो हम मुरली के संग चक्र उठाने वाले हैं, जल्लादों की औलादों का वंश मिटाने वाले हैं, हम हमीद के पथगामी अशफाकुल्ला कर जाने दो, एक बार सिर तांडव करती सेना को, बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत दो, सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं अरमानो। मित्रों, जब सेना ने पुलवामा के बाद अटैक किया दुश्मन पर, तब निवेदन करता कि सोते हुए जवानों पर हमला कर खींच निकाली, सोते हुए जवानों पर, जाते हुए जवानों पर हमला कर खींच निकाली है। पूरी दुनिया ने इसकी भर्त्सना की थी लेकिन उसे कोई शर्म नहीं आई।
जाते हुए जवानों पर हमला कर खींच निकाली है। कायरता भी कायरता की देख नीचता हारी है, और नीचता की भी हद होती है तब, और नीचता की भी हद होती है, और नीचता की भी हद होती है, उसको पार किया तब एलोसी पार तिरंगा दुश्मन का संघार किया, तब तब एलोसी। और मैंने कल्पना की है साहब के मेरे सैनिक, भारत माता की, भारत माता की, तब एलोसी पार तिर। और मैंने कल्पना की है साहब के मेरे सैनिक कैसे लड़े, तब एलोसी पार तिरंगा दुश्मन का संहार किया। अर्जुन ने गांडीव उठाकर थाबा बोल दिया होगा, अर्जुन ने गांडीव उठाकर थाबा बोल दिया होगा, मानो सूरज ने अपनी आंखों को खोल दिया होगा। भाला लेकर महाराणा का गुस्सा फूट पड़ा होगा, भाला लेकर महाराणा का गुस्सा फूट पड़ा होगा, मानो कई दिनों का भूखा नहर टूट पड़ा होगा, का भूखा नहर टूट पड़ा होगा। जाग चुका है बच्चा बच्चा और जवानी हुंकारे, जाग चुका है। और सरदार साहब आपको ये आगे की पंक्ति निवेदन करता हूं, सुनिएगा, पंक्ति आ रही है आपके लिए, आ रही है आपके उन बुजुर्गों के लिए आ रही है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बलिदान किया। के जाग चुका है बच्चा बच्चा और जवानी हुंकारे, जाग चुके हैं फतेह सिंह जोरावर तुमको ललका, जाग चुके हैं फतेह सिंह जोरावर तुमको ललकारे, जाग चुकी है शाह जफर की देशभक्ति बलिदानों की, जाग चुकी है शाह जफर की देशभक्ति बलिदानों की, जाग चुकी है पन्ना धाई की छाती अरमानों की, जाग चुके हैं सिंह हिंद के आंखों में अंगारे के, 20 के बदले और 40 के बदले पूरे 313 घर में हमारे, हर 40 के बदले 313 घर में मारे। ये तो एक नमूना है, अब तेल दिखाना बाकी है, ये तो एक नमूना, तालियां उठाना साहब, ये तो एक नमूना है, अब तेल दिखाना बाकी है, 56 इंची सीने वाला खेल दिखाना, बाकी है। आग उगलती तोपों को लेकर रण में अड़ जाने दो, आग उगलती तोपों को लेकर रण में अड़ जाने दो, आग उगलती तोपों को लेकर रण में अड़ जाने दो, एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो, अब तो आंखें खोल दो अपनी ताकत खोल दो। मित्रों सुनना, कि सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं अरमानों को। आपने देखा होगा जब भी शहीद की अर्थी आती है तो शहीद की पत्नी की तरफ नजर करना, उसकी आंखों में से आंसू नहीं निकले होंगे, उसकी आंखों में से आंसू कब निकले थे मैं बताता हूं। पहले तो अर्थी देखकर उसका मन में ये आया होगा कि मैं भी सीमा पर बंदूक लेकर के पहुंच जाऊं और दुश्मन की छाती को छल लूं। सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं अरमानों को, सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं अरमानों को, चुन चुन कर मारे आतंकी करके नष्ट ठिकानों को, चमक बढ़ी होगी आंखों में मान मिला बलिदानों को, चमक बढ़ी होगी आंखों में मान मिला बलिदानों को, भारत माने श्रद्धांजलि होगी वीर जवानों को, भारत माने श्रद्धांजलि होगी वीर जवानों को। वीर उस वीर की वीर बहुटी का मन बोल गया होगा, देखना उस वीरों की वीर बहुटी का मन बोल गया होगा, करने दो दो हाथ रक्त नस नस का खोल गया होगा, करने दो दो हाथ रक्त नस नस का खोल गया होगा, सेना बदला देख, लेकिन जब सेना ने ही बदला लिया तो उसके करेजे में जो पीर थी वो ठंडी हो गई, तब उसके आंसू।
सेना बदला देख करे जे मैं हिम उतर गया होगा, सेना बदला देख करे जे मैं हिम उतर गया होगा, उनकी आंखों से फिर गम का पानी निकल गया। उनकी आंखों से फिर गम, मित्रों मुझे बार बार इसलिए थोड़ा सा रोना आ जाता है, मैं उस परिवार में से हूं जिसके साथ लोग सुनते हैं। मैंने इस दर्द को झेला है, मैं जानता हूं, लेकिन जिनके लोग सेना में नहीं है वो कुछ भी कह सकते हैं। जिनके परिवार से सैनिक जब जाता है तब पता चलता है, ये तो लड़ाई है, जब घर से विदा होकर जाता है तब भी ये दिल टूटता है, लेकिन खुशी तो तब होती है क्योंकि वो देश की रक्षा में जा रहा है। इसलिए सेना बदला देख करे जे मैं हिम उतर गया होगा, उनकी आंखों से फिर गम का पानी निकल गया होगा। पंडित बिस्मिल भगत सिंह शेखर भी फूल गए होंगे, पंडित बिस्मिल भगत सिंह शेखर भी फूल गए होंगे, और शहीदों के तन मन खुशियों में झूल गए होंगे। किलकारी भरता होगा हर बच्चा बच्चा गोदी का, और मैं उस बहादुर का नाम लेने में कहीं कंजूसी नहीं करूंगा। अब बहादुरी आपकी है कि तालियां आप उठाए। किलकारी भरता होगा हर बच्चा बच्चा गोदी का, सेना का साहस निर्णय जब देख लिया है मोदी का, सेना का साहस जब निर्णय देख लिया है मोदी का, सेना का साहस जब निर्णय देख लिया है मोदी का। हो हमला आतंकवाद पर उखड़ सभी चढ़ जाने दो, एक बार सिर तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो अपनी, और मैं देश की सरकार को भी याद दिलाना चाहता हूँ साहिब कि याद करो गोरा बादल के आग उगलते वारों को, याद करो गोरा बादल के आग उगलते वारों को, याद करो महाराणा वीर शिवाजी की तलवारों को, याद करो राणा सांगा के 80-80 ढाबों को, याद करो राणा सांगा के 80-80 ढाबों को, याद करो हम वीर देव के हक से भरे जवाबों को, याद करो गोविंद सिंह के दिए अमर बलिदानों को, याद करो गोविंद सिंह के दिए अमर बलिदानों को, याद करो वो शाह जफर के मिटे हुए अरमानों को, याद करो वो शाह जफर के मिटे हुए अरमानों को, याद करो हाड़ी रानी को कर लो पन्ना थाई को, याद करो हाड़ी रानी को कर लो पन्ना थाई को, याद करो तुम मणिकर्ण का और छनकारी बाई को, याद करो तुम मणिकर्ण का और छनकारी बाई को। जिनके दर्शन करने को रथ सूरज का रुख जाता है, शहीदों के दर्शन करने को, जिनके दर्शन करने को रथ सूरज का रुख जाता है, जिनका अभिनंदन करने को आसमान झुक जाता है, जिनका अभिनंदन करने को आसमान झुक जाता है। भारत माँ की खातिर जो जन अपना शीश चढ़ाते हैं, देव शहीदों के दर पर नित दर्शन करने आते हैं, देव शहीदों के दर पर नित दर्शन करने आते हैं। खोल सीख जा दो शेरों का दुश्मन से लड़ जाने दो, एक बार सिर तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो और इसका अंतिम बंद आपके चरणों में रखता हूं साहब, समर्थन करना। एक एक कर ढूंढ निकालो अलगा भी मक्कारों, आप किसान आंदोलन से भी देख लीजिए, किसान आंदोलन चल रहा है, आप क्या समझ रहे हैं इसमें सारे के सारे किसान हैं? इसमें भी विदेशी ताकतें हैं, इसमें भी देश के गद्दार छुपे हुए हैं। निवेदन करता हूं साहब कि एक एक कर ढूंढ निकालो अलगा भी मक्कारों को, एक एक कर ढूंढ निकालो अलगा भी मक्कारों को, फांसी पे लटका दो घर में छिपे हुए गद्दारों को। दुश्मन के तन मन की चर्बी, दुश्मन के तन मन की चर्बी अभी छांटना बाकी है, और भारत माँ को गाली दे वो जीव काटना बाकी। दुश्मन
मन के तन मन की चर्बी अभी छाटना बाकी है, भारत माँ को गाली दे वो जीव काटना बाकी है, दिल्ली बिल्ली बनकर बैठी क्यों बोलो दिल्ली वालों। लाल किले पर झंडे का अपमान किया गया और आज तक वो दुष्ट नहीं पकड़े गए, तब निवेदन करता हूं साहब और हमारी पुलिस पीटी कि दिल्ली बिल्ली बनकर बैठी क्यों बोलो दिल्ली वालो, सेना पे आतंकी हमला मुंह खोलो दिल्ली वालो, दिल्ली ने अगर माफ किया तो कायरता कहलाएगी और शहीदों की कुर्बानी तार तार हो जाएगी, और शहीदों की कुर्बानी तार तार हो जाएगी। शंख फूंक दो महाभारत का, शंख फूंक दो महाभारत का, एक बार हुंकार भरो मत चूको मत चूको, ये वक्त सही है आर करो या पार करो, मत चूको ये वक्त सही है आर करो या पार करो। 62 वाली गलती को हम फिर से ना दोहराएंगे, 65 वाली गलती को हम फिर से ना दोहराएंगे, सीमा पार तिरंगा हर की छाती पे पहराएंगे, सीमा पार तिरंगा हर की छाती पे पहराएंगे, शीश कुचल डालेंगे दुश्मन के फन पे चढ़ जाने दो, एक बार सिर तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो वाणी को बहादुर शाह जफर की गर्दन पर कटारी रखी और कहा अपनी जान की भीख मांगो। वो शायर था, उसने दो लाइन लिखी और उसको बोली कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। इस दो पंक्ति में बहादुर शाह जफर ने अपनी दो पंक्तियां सुमार की और जवाब देखना। वो कहते हैं कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। और बहादुर शाह जफर का जवाब सुनिएगा कि गाजियों में भू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। दिल्ली से हमारे बीच एक अद्भुत हास्य के कवि आए हैं जिनका नाम विनोद पांडे होता है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं शहीदों के चित्र हैं उन पर माल्यार्पण किया जाए, जिसके लिए मैं डॉक्टर मधुरमा गुप्ता जी, सीलोड़ी शर्मा जी, दीदी पद्मेश श्रीवास्तव जी, कंचन मिश्रा जी और नंदी मैम, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि शहीदों के चित्र पर